जिला कलेक्टर पुकरा सेन की अध्यक्षता में आज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित पीएमओ कक्ष में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने पीएमओ को निर्देश दिए हैं कि सामान्य चिकित्सालय के लिए आवश्यक संसाधनों आदि के लिए मरीजों के हित में प्राथमिकता निर्धारित कर कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों के हित में यदि आवश्यक हो तो बिना बैठक का इंतजार किए बिना कार्य करवाए जा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने समिति के सदस्यों से विचार विमर्श कर महिला चिकित्सालय की खराब लिफ्ट को दुरुस्त कराने के लिए यूआईटी द्वारा तकनीकी निरीक्षण करवाया जाए। यदि मरम्मत से अधिक राशि लगे तो यूआईटी द्वारा मरीजों के हित में नई लिफ्ट लगवाई जाए। शिशु चिकित्सालय में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जलदाय विभाग द्वारा 50,000 लीटर के पानी के टैंक का तकमीना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामान्य चिकित्सालय के 4 बड़े हॉल मेडिकल व सर्जिकल तथा मेल व फीमेल वार्ड को वार्ड में सेंट्रल एसी लगाने के लिए यूआईटी को तकमीना तैयार करने के निर्देश दिए। सामान्य महिला व शिशु चिकित्सालय में 60 आईपी सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर पीएमओ को यथाशीघ्र टेंडर प्रक्रिया करने के निर्देश दिए। यूआईटी द्वारा फूड लैब को राजकीय मुद्रणालय में स्थानांतरण कराए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही लैब के स्थानांतरण होने पर उस स्थान पर क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना भी की जाए। बैठक में चिरंजीवी मार्गदर्शकों को नियमानुसार इंसेंटिव दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।